हेलो गाइस, आई एम अवधेश बाहुबली एंड देन आज मैं सूट पर यानी फेसबुक पर पहली बार ही लाइव आया हूँ। काफ़ी एक्साइटेड था दोस्तों के साथ में लाइव आने को लेकर के, लेकिन किसी एक खास विशेष मुद्दे पर मैं लाइव आना चाहता था, तो आज दिल किया कि थोड़ा लाइव आया हूँ। मोबाइल वगैरह वैसे अलावा नहीं है, फिर भी मैं दोस्तों के प्यार प्रेम की वजह से मोबाइल को किसी भी तरह से लेके आया यहाँ पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितने बड़े बड़े कैमराज वगैरह है यहाँ पर, सो आप देखिए इन चीज़ों को। देन हॉलीवुड मूवी है विच माउस, उसका शूट यहाँ अपने जयपुर में सिटी पैलेस में हो रहा है। आज करीब 15 दिन से ज़्यादा हो गया और 2 महीने यहाँ शूट चलेगा। उस हिसाब से आप देखिए, मैं बैक कैमरे से ओपन करता हूँ। ये कैमरे वगैरह है, जो ये कैमरा है जूमिंग तो इसमें होगा नहीं, हो रहा है। ये कैमरा 6 करोड़ रुपए का सिंगल, ऐसे करीब 5-6 कैमरे हैं जो अलग अलग लोकेशन पे ऊपर लगाए जाते हैं, आप देख सकते हैं सभी। ये सभी टूरिस्ट बाहर के लोग हैं, ये अपने सिटी पैलेस जयपुर का है मेन, वो सामने जो आपको दिख रहा है उसमें करीब 5-6 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जैसे अपने भागम भाग हुई, पार्टनर हुई जोधा अकबर, और भी 2-3 मूवियाँ भी थी, लेकिन इसकी बहुत ही कॉस्टली है, एक दिन का करीब 1 करोड़ रुपए इतना लेते हैं शूटिंग के लिए। काफ़ी भीड़ की वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है यहाँ के जो अपने फोन हो गए इनको शूटिंग की वजह से, फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं शूट करने के लिए। अभी थोड़ा रेस्ट, लंच टाइम चल रहा है, तो सोचा लाइव दे दूँ आप सभी को। ये बहुत कॉस्टली कैमरे हैं, ये सभी इन्हीं की टीम है, अलग अलग आइटम्स बहुत सारे हैं। ये तो मानो कि 10% ही है, करीब ऐसे को 20 ट्रक आए होंगे भर करके। ये सभी पता नहीं क्या क्या लगा के रखते हैं, तो आप देखिए सभी इन चीज़ों को, रेंज इंजॉय कीजिए। इसमें एक छोटा सा रोल दिया गया है जो महाराजा का पुत्र होता है, इसमें उसके साथ में सेनापति का रोल है। दिखाना चाहूँगा हमारी टीम जो लगी हुई है इस चीज़ को, मूवी को कंप्लीट करने में, आज और कल और यहाँ पे शूट चलेगा, उसके बाद लोकेशन चेंज होकर के नारगढ़ की तरफ जाने का प्लान। ये सिटी पैलेस जयपुर में है, ये सेट है। ओके गाइज, मैं रखता हूँ क्योंकि अलावा नहीं है सेट पे, ये कैमरे वगैरह ऐसे ओपनली यूज़ करके, पर आपका प्यार प्रेम बस मुझे दिखाने के लिए ऐसे दिखाना चाह रहा था मैं। इधर से पूरे सभी सामान ही मूवीज़ वगैरह वालों के हैं, बाहर और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ओके गाइज, मुझे भी एक ये पीछे जो बंदूक है ये दी गई है, इसको मैं नॉर्मल वैसे ही रखना पड़ता है। देन मेरे लिए एक अच्छी वो है कि मैं भी छोटा सा रोल ही सही, लेकिन धीरे धीरे ही तो इंसान आगे बढ़ता है, सीढ़ी बाय सीढ़ी कोशिश करूँगा आगे जाने की। और काफ़ी लोगों का मुझे प्यार और प्रेम सम्मान मिला, सभी को जो भी कोई भाई इसमें आना चाहे, जो भी अपना सपना पूरा करना चाहे ज़रूर करे। ओके गाइज, अब मैं रखता हूँ मेरे लाइव को, धन्यवाद।